गाइज, आज की इस नई वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो एग्जामिनेशन होता है 2021 में, आप यहाँ देख सकते हैं बीएससी पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 फिजिक्स का ये पेपर है। तो जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए ये जो उनका एग्ज़ाम होता है 2021 में फिजिक्स का, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी है। और ये फिजिक्स का एग्ज़ाम होता है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। इसमें जो टाइमिंग था वो 1 आवर 30 मिनट था, यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम मिला था। और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स आप दे सकते हैं 50 का है। आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षार्थी को निर्देश, प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोले जब तक आपसे कहा न जाए। प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है, परीक्षार्थी को किन्हीं 50 प्रश्नों को ही को दी गई OMR आंसर शीट पर ही हल करना है। परीक्षार्थी द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 50 उत्तरों को ही मूल्यांकित किया जाएगा, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चन गिवेन है और 100 क्वेश्चन में आपको टोटल 50 क्वेश्चन के आंसर देना है। और 50 क्वेश्चन के आंसर जो है, यानी क्वेश्चन के आंसर समान है, यानी आपको 50 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। और जो थर्ड है निर्देश, वो प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा OMR आंसर शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों, या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों, या उससे किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसको आप तुरंत बदल लीजिए। यानी आपको जो ये एग्ज़ाम होता है 2021 में बीएससी फाइनल ईयर का, तो उसमें 100 क्वेश्चन गिवन थे, 100 में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आप 60 क्वेश्चन के आंसर देते हैं अपने OMR आंसर शीट पर, तो जो शुरू के यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे, जहां भी क्वेश्चन नंबर 50 होगा वहीं तक के आपके मार्क्स जुड़ेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने क्वेश्चन सही किया हो या गलत, जितने भी सही होंगे उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और जो उसके अलावा होंगे उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपके भी क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्न टोटल गिवन है, अगर आपको उसमें से 50 क्वेश्चन के आंसर देना है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चन के आंसर दीजिए जिसमें आप 100% श्योर हो कि यही आपका आंसर सही होगा। यानी सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, उसके अलावा कोई भी आंसर नहीं देने हैं। नहीं तो आपके जो शुरू से लेके सुरेश क्वेश्चन 1 से काउंट होगा, जहाँ पर 50 हो जाएगा वहीं तक के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप सिर्फ 50 क्वेश्चन के आंसर दें जिसमें आप 100% श्योर हो, या अगर आप 50 में 40 भी 100% श्योर हो, तो आप सिर्फ 10 ही क्वेश्चन के और दीजिए आंसर, इसके अलावा नहीं। यानी अगर आप निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सोचते हैं कि हम सिर्फ 50 क्वेश्चन के आंसर देंगे और इसके अलावा क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपको नहीं मिलेंगे, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से काउंट होंगे, तो जहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, तो वहीं तक के आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके अलावा जितने भी आपने आंसर दिए उनके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे कुछ कंडीशन आती है, तो सिर्फ आपको उन्हीं क्वेश्चन के आंसर देने हैं जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, क्वेश्चन टोटल 100 हैं, तो इसको हम स्लो मोशन में देखेंगे। अगर इसको आप डाउनलोड भी करना चाहेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक कर इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपसे लिंक से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सअप पर। तो इसका सलूशन भी बहुत ही जल्द यूट्यूब पर आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी इसका सलूशन आए यूट्यूब पर, तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले वो वीडियो देख पाएँ। तो अगर आपको सलूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में एस लिखें, तो बहुत ही जल्द इसका सलूशन आएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी उसका सलूशन आए, तो सबसे पहले वो आप वीडियो देख पाएँ। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक, और इसका सलूशन भी बहुत ही जल्द आएगा। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसका वेट कर रहे हैं सलूशन का या नहीं। अगर वेट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है एस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।